अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलाम, कैसे हैं मेरी प्यारे प्यारे स्वीटीज़। उम्मीद करती हूँ आप पर मैं हम सब हैं खैरियत से, जहाँ खुश हों बाद और रहमतों की छाँव में हो। तो जी आप भी देख रहे होंगे कि आपकी स्वीटी देखें कितनी बिजी है मिलने में। पता है जब गई तो महफिल स्टार्ट हो गई हुई थी, महफिल के बाद महफिल में एक रिदम बना हुआ था, फिर मैंने कहा भी मिलना बेहतर नहीं लगता, तो उसके बाद जो है ना फिर मिलना जफियाँ शफियाँ डालना शुरू हो गए। आपको पता है कि जहाँ पे अपने इकट्ठे हुए हो ना फिर वहाँ पे जफियाँ शफियाँ तो ज़रूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी निक्की छोटी बड़ी सब बहनें आई हुई थी, कोई पप्पो की बेटी थी, कोई खाला की बेटी थी, और सब ने मिल के बहुत शुगल मेला लगाया हुआ था और बहुत एक दूसरे की तारीफ़ें हो रही थी। खैर मैंने तो बहुत तारीफ़ें लूटी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सब ने कहा कि तुम्हें नज़र ना लग रही, तुम बहुत प्यारी लग रही है। लो जी देखते देखते और से और मेहमान आ गए, मेहमान तो दूर दूर से आ गए, पास पास वाले तो बहुत पहले के आ गए थे। मेरा गला तो अभी भी सही होने का नाम नहीं रहा। आपकी स्वीटी शादियाँ इतनी खा रही है, तोबा तोबा, इसने तो अपनी मत मारी हुई है। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही खा रही हूँ, अगर आप भी मेरी स्वीटीज़ भी शादियाँ इसी तरह से खा रही हैं मेरी तरह, शादियाँ नहीं खा रही, शादियों का खाना खा रही जो तुम भी मेरी तरह इंजी सुबह शाम लंगर खा रहे हो शादियाँ का, तो मैंने ज़रूर दसना कि कल ही मैं ही इंजॉय कर रही हूँ। मैं कह रही मैं खाली इंजॉय ना करूँ, मैं तो साथ साथ आपको भी इंजॉय करवा रही, देखें तो ज़रा। महफिल के बाद फिर सारे जो है ना अपने अपने फ़ोन निकाले, अपने अपने औजार निकाले और शुरू हो गए जी देते रही देव सेल्फियाँ ते फोटो ते शोटो, क्योंकि इस तो बाद खोल जाना सी लंगर। फिर लंगर जो तो खोल जाए तो पता फिर बिस्टिक शिस्टिक ख़राब हो जाती है, फिर जो कॉन्शियस लेडी होती है फिर मेरी तरह की उनको होता है कि जी मेरे तो रोटी के नाल ही लिपस्टिक भी ले लूँ जानी है, तो क्यों ना हम पहले ही जो है ना ये अपना काम शाम तमाम कर लें फोटो शोटो का। मैं कहती हूँ इधर तो फोटो ऐसे हो रही थी कि जैसे छठ गलां दियो। ये जो हमारी स्वीटी है ना ये तो माशाल्लाह कमाल ही करती है हर जगह आके, इन पे भी ये कलर बहुत सूट कर रहा था, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह सब अपने मसाल आप थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, कोई तारीफ़ का मोहताज नहीं। सबकी तारीफ़ें जो है ना एक दूसरे आप देख रहे होंगे कि कितने हसीन और जमील लग रहे हैं। मैं कहती हूँ जो फ़ोनों ने भी जो है ना कमाल ही कर दिया, फ़ोन ना बनाना और ऐसे सेल्फियाँ ना ली जाए, मुझे लगता है कि हमारा फंक्शन अधूरा ही है। देखें हाँ जिस मेरी तमाम स्वीटीज़ एक फ्रेम में आ गई और माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, आप भी देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि इस तरह फिर नज़र लग जाती है। तो नज़र बट्टू तो खैर मैं साथ में खड़ी हूँ कि ताकि नज़र ना लगे, लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह कह देना। ये देखें जी मेरा पटोला तो मेरा छटोला, मेरी मोनी तो मेरी टोनी का फुल चेक करो तुम, बाकी गलों दियाँ गलां मेरी टोली का फुल चेक करो। ले जी तस्वीरें खेंते खेंते मामी जी की आवाज़ आई, बेटा रोटी खुल गई है तो आइयो फटाफट नस के तो रोटी खाओ, तो उस तो बाद तस्वीर बनाओ, तो पाँच तस्वीर बनाओ, फिर आप जो कुछ मर्जी करें। लें जी फिर आपकी स्वीटी को भी लगी थी बहुत भूख, नौ तो बज गए थे, आंतने पेटे मेरे कुछ भी नहीं था खाली था, चूहे नाच रहे थे, बिल्ली छोड़ने वाले थे हम, तो हमने चिकन ही छोड़ दिया अपने पेट में। मैं कहती हूँ पेट में चिकन चला जाए ना तो सुकून ही आ जाता है, इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं होती खाने वाली। रशियन सैलड था जी, चिकन अचारी था, देखें सब कितने पुरसकून माहौल से बैठे रोटी खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मामी जी वो खड़ी जो है ना देख रही हैं कि मेरी नंदे और नंदों की बेटियाँ सब कुछ खा रही हैं कि बस ऐ वेखो जी मामी ने क्या मेरी ती सीधी तरह होकर रोटी खाया वेखो, हाँ इनियाँ मामियाँ भी दुनिया से होंदिया ने हैं। अल्लाह पाक मेरी मामी को सलामत रखे, इसी तरह इनका घर खुशहाल और हंसता बस्ता रखे। माशाल्लाह जी मामू के बेटे की शादी और ये दूल्हा साहब आ गए हैं, दूल्हा साहब की एंट्री होते ही जो है ना चार चांद लग गए महफिल में। लो जी महफिल के बाद तो फिर माइयों था, माइयों की फिर फुल तरह तैयारी थी, पूरी तरह जो है ना उसकी तैयारी चल रही थी। तैयारी के साथ साथ मेरी नज़र पड़ी अपनी खाला की जूती पे, मैंने कहा लो जी जूती इन्होंने इतनी कमाल की पहनी है कि तस्वीर बनाए बगैर आना चाहिए। देखें जी ब्यूटीफुल फुट के अंदर ब्यूटीफुल जूतियाँ ब्यूटीफुल फुट नहीं ब्यूटीफुल जूते के अंदर ब्यूटीफुल जो है ना पाँव थे। ये देखें जी हमारी स्वीटी ने तो बड़ा मैचिंग साथ हार शार पहना था। मैं क्या तुम कितों हूँ कढ़ के पाया, कहती नहीं नहीं पहले तो महफिल हो ना तो बट्टा से अगे थे इसलिए तेनों पता नहीं चलिया मैं क्या चाहिए मेरी नज़र से दूर रह गया हो, चले अब इसकी वीडियो बना लेते हैं। लो जी यहाँ पे हमने तो खाना शाना खा लिया, अब होगा माइयों माइयों होगा फुल धूम धड़के से, असि जितने जाइए उत्थे रौनक मेला ला ही देता, फिर उत्थे महफिल में सन्नाटा नहीं रहन देता। मैं कहती हूँ इतना इंजॉयमेंट किया, इतना मज़ा आया, और जहाँ पे मैं कहती हूँ सब होना वहाँ पे मज़ा ना आई है कैसे पॉसिबल, और जहाँ पे मैं खुद हूँ वहाँ पे मज़ा ना आए। मेरे जो खाला और छोटे मामू हैं ना, मैं कहती हूँ ये तो हमारी रौनक की आन बान और शान है। ये देखें जी खूबसूरत लड़कियाँ सीढ़ियों में बैठी कितने खूबसूरत अंदाज में अपने फ़ोटोशूट करवा रही हैं। मैं कहूँ जी अगर आप लोग करवा रही तो मेरा करवाना भी बनता है, पता नहीं फिर मैंने करवाया कि नहीं मैं भूल गई। हर कमरे में हर जगह रोटी के बाद और रोटी से पहले, मैं कहती हूँ फ़ोटोशूट तो ऐसे था जैसे ना ये हमारी
अगर ये ना होगा तो हमारा मायू अनकम्प्लीट हो जाएगा, सानू घरों कढ़ देंगे। नहीं जी, फिर पता है जब बंदा कभी कभी तो तैयार होता है, रोज़ तो तैयार भी नहीं हुआ जाता। वैसे भी जो लेडीज़ होती हैं ना, मैं कहती हूँ जो घर में रहने वाले घरेलू होते हैं, मेरी तरह उन्होंने अपनी माता खूब मारी होती है। उन्होंने फिर जब कभी कभी लिपस्टिक पाउडर लगाना होता है, फिर उन्हें होता है जी हम फुल तरीके से अपनी वीडियो क्लिक कर लें। ये देखें जी पटोली कैसे बैठी अपना फ्रॉक सेट करके अपनी मामी के साथ जो है ना अपनी पिक क्लिक करवा रही है। मैं कहती हूँ ये माशाल्लाह बहुत एक्टिव माइंड है। आप इसकी कभी बातें मैं आपको सुनाऊँगी लाइव वीडियो में, आप सुनेंगे आप हैरान रहेंगे। अपनी मम्मा को कह रही है क्या बात है जितनी तस्वीरें बना रही हूँ। मैं क्या मैं तेरे सदके तेनू भी पर लग गए ने हैं, लाया नाम भी जितना खूबसूरत है उतनी खूबसूरत उससे ज़्यादा खुद खूबसूरत है। ये देखें जहाँ पे मेरे कज़न की फूफियाँ खाला कज़न ने तस्वीरें खिंचवाई थी, वहाँ पे खाला भी पीछे नहीं रहीं। खाला ने भी कहा कि हम भी एक फ्रेम में क्यों ना आ जाएं। लो जी जेड़े कमरे से जाओ कुड़ियाँ की तस्वीरें बना रही हैं जेड़े। मैं कह अल्लाह अल्लाह इतने की हो गया, धरती लाती है तुसी ते कुड़ियों। मामी बेचारी को अब खाना खाने का टाइम मिला, मामू और मामी अब बैठे खाना खा रहे हैं माशाल्लाह जी। उन्होंने कहा पहले अपने सारे मेहमानों को खिला दें, तो मेहमानों के बाद जो है ना मेज़बान खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ जी इतना इंजॉयमेंट था, छाड़ी गलां दे। ये देखें ये स्वीटी बैठी तो खूब गप्पे शप्पे मार रही हैं, ये साथ है इनकी भाभी। ये जो मेरी छोटी सी स्वीटी है ना, इसका तो बेचारी थक बहुत जाती है नाजुक सी है ना, कंधे खेंचे गए बेचारी गए हुए सदके जावा। चलो कोई नहीं, मैं इसके बाद में तो दबा भी दूंगी। तो जी आज का आपने प्रोग्राम फुल एंजॉय करना और देखना आपको कितना मज़ा आने वाला है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस आजकल ये सही फ्रेम बन गया है जी, लड़का और लड़की का एक ही फ्रेम में नाम आया था, पहले लड़की का नाम फिर बाद में लड़के का। कज़न का नाम है जी हुसनैन और लड़की का नाम पता नहीं सुफा था कि सफ़ा था, सफ़ा हुनैन पता नहीं ऐसे करके नाम बना दे। मैं तो बोलना भी नहीं आ रहा है, मैं पुराने दौर दी औरत हूँ, मैंनू अजकल दी औरतों नाल की अजकल टशना ना की मतलब है। लो जी पहले यहाँ थी चीटी चादरें क्योंकि तो पहले था मिला, तो अब है जी यहाँ पे माइयों तो अब बिछ जाएंगी येलो। मैं कहती जब जैसे ही येलो चादरें बिछी साथ ही हमें वाइब्स आने लग पड़ी कि जी हम माइयों पे आए हैं, अब कुछ माइयों वाले टशन होने चाहिए माइयों वाले टशन में फिर आ जाते हैं जी भंगड़ा हो गया, ढोलकी हो गई, तो लुड्डी हो गई, तो हाई जमालो हो गई ये सारा कुछ हो जाएगा। मैं कहती हूँ जी इतना मज़ा आने वाला है कि आपकी सोच ही होगी। आपने जो है ना मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त कर लेना, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लेना। आपको नहीं पता कि जी ये जो माइयों के बाद वाले जो व्लॉग्स आने हैं ना, मैं कहती हूँ इन्होंने तो दे पता देना है आपको। फिर आप ये ना कहना कि स्वीटी आपने बताया ना हमने आपका व्लॉग मिस कर दिया, ठीक है। देखें कितना शानदार किस्म का माइयों स्टार्ट हो गया। मैं कहती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ लुडियाँ डालती हैं वहाँ पे तो आजकल लड़के भी लुडियाँ डालने से पास नहीं आते। मैं कहती हूँ कुड़ियाँ नालों वध मुंडियाँ ने जलून बूटी लगी होंगी, हई जमालो पाओ लुडी हई जमालो हो रही थी यहाँ पे जी। आपको पता वॉइस ओवर करना पड़ता है जी, म्यूज़िक चला नहीं सकती, यूट्यूब ने इतनी सख्ती की हुई है कसम से, मज़ा ही नहीं आता ऐसे वॉइस ओवर करके आपको सीन दिखाने का। लेकिन चले मेरी बातें इतनी चटपटी होंगी कि आपको फुल मज़ा आएगा। यहाँ पर मामू और मामी जो है ना बेटे को अपनी मोहब्बत के साथ जो है ना एक नए रिश्ते में बांधने जा रहे हैं। मैं कहती हूँ जी माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बहू लानी होती है ना, मैं कहती हूँ घर में चार चांद लग जाते हैं और अल्लाह पाक सबकी किस्मत में ऐसे कहें। दूल्हा भी नहीं बाज आ रहा था सेल्फियाँ बनाने से उन्हें कहा जी मैं भी जड़ा ना सेल्फियाँ बना के जड़ा ना अपनी बुढ़ी ने शेयर कर दें। हले बुढ़ी तो नहीं खैर बनी, जब नका होगा तो बुढ़ी बनेगी, फिर उनसी को शेयर कर दे। मम्मी ने कहा खलोइया इतने तू तू की कर पाया, तू तो दूल्हा है, अब दूसरों को बनाने दो, तुम स्टॉप करो यहाँ पे। मैं कहती हूँ जी माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत शानदार अंदाज से जो है माइयों को सजाया गया था। मामी ने तो जो है ना भरपूर अंदाज में अपने ससुरालियों का वेलकम किया। मैं कहती हूँ जी बहुएँ जो होती हैं ना वो ही अपनी हमेशा ससुरालियों को इज़्ज़त देती हैं और इज़्ज़त लेती हैं।
इधर से लड़के वाले जो हैं वो अपने ससुरालियों को इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें तो मज़ा आ जाता है। मैं कहती हूँ कि जी दो ख़ानदान जब मिल बैठते हैं और दो ख़ानदानों में जब प्यार मोहब्बत कायम होता है ना तो फिर ही मज़ा आता है। तो लें जी दूल्हा साहब तो आके बैठ गया, अब इनको लगेगा उपटन और लगेगा तेल और फिर बजेगी बांसुरी फिर ये भी हमारी तरह फंस जाएंगे बेचारे एक नए बंधन में। तो यहाँ देखे जी माशाल्लाह जी हर कोई कितना हसीन और जमील दिखाई दे रहा है। मैं कहती हूँ जी कमाल हो गया, छा गए थे बह गए ने ठाक करके। तो ये देखें जी दो स्वीटीज़ जो है ना ये तो अपने ध्यान में लगी, ये तस्वीरें खींची जा रही हैं, चेक करी जा रही हैं हम कहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही कहाँ पे नहीं। मैं वैसे मैं अपने वालों कह रही हूँ मैनू नहीं पता वो की कर रही ने। अभी देखना जी यहाँ पर डलेगी लुड्डी और लुड्डी के साथ क्या ही मज़ा आने वाला है। मैं कहती हूँ जी माई हो या मेहंदी हो लुड्डी ना हो तो मज़ा ही कैसा। जी देखें जहाँ पे बाकी सब जो है ना भंगड़ा डालते वहाँ पे आपकी स्वीटी को भी जोश आया, आपने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊँ, आपने नहीं कहा मैंने कहा आपकी स्वीटी को तो वैसे जो है ना भंगड़े शंगड़ों का बहुत शौक है। मैं कहती किसी का ब्याह हो तो मैं भी पगली हुई होंगी हाँ, हूँ तो फिर भी अपने कज़न का ब्याह है तो मैं पगली ना हुआ तो की होवा। ए वेखो जी मामू तो मामी तो पकड़े नहीं जा रहे थे। मैं कहती हूँ जी माँ को बड़े चाह होंगे ने, मामी तो कहती थी सारे अज बहना जड़े नच टप लवो मेहंदी तीकर जड़ा ना फुल प्रैक्टिस कर लो। मैं कहा बाकी मेहंदी वास्ते भी मामी जी रहन दो। लो जी नच टप के जब हम फारिग हुए लुड्डी शुड्डी डाल के और भंगड़ा चंगड़ा डाल के तो जी माइयों की रस्म स्टार्ट होगी। बेसिक रस्म तो यही होती है जी, तेल शेल लगाना, उपटर लगाना, मिठाई खिलाना, सदके बारी जाना, सदके उतारना, बुलाएं उतारना। अल्लाह पाक हर किसी की औलाद को नेक और साले अपनाए, सबके नेक नसीब करे, नेक बरता करे और सबको नेक जो है ना बहुएं जो हैं बेटियां, बहुएं तो कम होती हैं बेटियां वो ज़्यादा होती हैं जब उनको अपने घरों में ले आते हैं। अल्लाह पाक सबको जो है ना अपने घरों का सुख अता फरमाए, सबके घरों के हालात अल्लाह पाक अपनी रहमत से अच्छे कर दे। मैं कहती हूँ जी बहुएं आती जो है ना आपके घर के हालात जो है ना एक से दो के साथ बदलते बदलते कितने नए रिश्तों में बन जाते हैं, यानी कि पहले बेटा होता है बेटी के साथ बहू आते, बहू के बाद पोते पोतियाँ आते हैं। लो जी घर जी शुगर मेला लग जाता भा जी पूरी तरह जड़ा ना, मैं कहनी हाँ घर के हालात बदल जाते हैं। तो लो जी आप कहते होंगे जी कौन कौन मेहंदी लगाई जा रहा है, तो मेहंदी जी अपने ही लाते हैं और फिर बाहर ने आके लानी है। लो जी यहाँ पे पहले लगाई मम्मा और मामू ने, फिर लगाई जी मेरी कज़न्स ने, फिर लगाई जी लड़के के नहीं लड़के के मामू ने, ये भी लड़के की खाला है। मेरी जुबान नुकी हो गया थोड़ी, स्वीटी थी आजकल जुबान ना फिसलती बड़ी है, अरे कि ये ना मसला है इसको ना थोड़ी ग्रीस देने वाली दिन में बहुत ज़्यादा बोल लेती है ना तो इसलिए फंस फंस के अब चल रही है, थोड़ा सा इसको वो डेग मार मारने की ज़रूरत है फिर सेट हो जाएगी। लो जी वो भी लड़के के मामू से हद हो गई है और ये लड़के की कज़न है माशाल्लाह से, ये अपने कपल के साथ है तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ जी कमाल हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मैं कहती हूँ आगे आने वाले जो फंक्शन है वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। तुम कहोगे स्वीटी सारा कुछ तो तुम माइयों तो गल है, हम मेहंदी तो की करना है। लो जी मेहंदी पे आपको वो वाइब्स मिलने वाली है ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना समझा होगा तो लो जी मैं कहती हूँ लड़के अच्कल तस्वीरें बनाने बहुत माहिर हो गए हैं। मैं कहती सी पता नहीं है कुड़ियों का ही काम है ना बाबा जी ना,
ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿੰਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਬ ਜਹਾਂ ਪਰ ਲੜਕੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਪਰ ਲੜਕੀਓਂ ਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਲੋ ਜੀ ਹਮਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਸਭ ਕਜ਼ਨਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਇਨਕੋ ਤੋ ਇਤਨਾ ਡਾਂਸ ਵਗ ਰਹਾ ਥਾ ਆਗੇ ਸੇ ਕਭੀ ਪੀਛੇ ਸੇ। ਇਹ ਬੇਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਸੇ ਮਾਮੂ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪਟੂਸੀ ਮਾਰੀ ਤੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਸ ਕਰੀਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸਸੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੀ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੈਰੋ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਗੈਰਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਊਂ। ਲੋ ਜੀ ਇਨਕੀ ਲੁੱਡੀ ਤੋਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਥੀ, ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁੱਡੀ ਡਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ। ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰ ਦੂੰ ਜੋ ਮਾਮੂ ਨੇ ਸਵੀਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਢੋਲਕ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਢੋਲਕ ਕੇ ਸੌਂਗਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਆ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਐਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਕਭੀ ਕਭੀ ਆਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਖੂਬ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਅਬ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। जा रहे हो तुम सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, को निभाते जाओ। माशाल्लाह कभी कभी
मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी रुलाए। जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली। जख्म देते हो कहते हंसी तेरा, जान लेकर कहोगे कमान तारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया, प्यार जिंदा रहा बदलों में मगर, प्यार जिंदा रहा बदलों में मगर, प्यार जिसने किया है वो मारा गया, हद यही है तो हद से गुजर जाएंगे, इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे। ये मोहब्बत से निकली हुई फाल है, ये मोहब्बत से निकली हुई फाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। ऐसी तेरी निगाह सजना जान जान बस जा तू दिल दे विच कीते, दिल दे विच कीते, मैं सुनिया उचिया दीवारा रखिया, मेनू दिल दे चार चौरे नाल सांभ के रखनी, कोई दिल च ना वाले डेरे दिल टूटिया मेरा एक बाई तू एक ना बनाई कभी होगा तेरा सेहरा जी। बाबा जी मैं तो उम्मीद करती हूँ तुसी जिहड़ा ना अज दा व्लॉग खूब इंजॉय कीता होगा। मैं कहती हूँ कि हमने ढोलक भी बजा ली, गाने भी गा लिए, सारा कुछ कर लिया। मैं अब यहाँ पे इजाज़त के मुंतजर थे, असी क्या रात के 2 बज रहे, उन्होंने वेले से वेले से हम जो है ना घर निकले। हूँ रात इतने तो नहीं ना रहना से, हूँ घरों घर ही अपने सारे ने जाना से। उस सर्दी तो मैं कहती हूँ नामो निशान ही नहीं था, ठंड में शादियाँ हो या गर्मी में हो, मैं कहनी हाँ ब्याह ते आने वाली औरतों को कभी ठंड नहीं लगी। यहाँ पे अब सब एक दूसरे से मिलेंगे, इजाज़त चाहेंगे और किरमो किरमी निकल जाएंगे। मैं कहती जितना हमने इंजॉय किया उससे बढ़कर आपने भी किया होगा। देख लें आपकी स्वीटी आपके लिए कितना कुछ कैप्चर करती है कि आप कहीं मिस ना कर दें मेरे वाले फंक्शंस को, जैसे मैंने इंजॉय किया आप भी करें। और मैं कहती हूँ कि बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। ये देखें जी मेरे हाथों पर नो पॉलिश कितनी अच्छी लग रही है। तो लें जी, मैंने भी फिर मामी से इजाज़त चाहिए। मैंने कहा मामी इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपको बहुत ही जल्द। अब तक के लिए, तब तक के लिए, सबके लिए अल्लाह हाफिज़। आपका और मेरा अल्लाह नबी वारिस। डोंट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।